नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 1 नवंबर रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। बैकलॉग एवं प्रक्रियाधीन भर्तियों में 5% आरक्षण समेत 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आज 1 नवंबर से गुर्जर समाज ने आंदोलन की चेतावनी दी है। इसके चलते अब आरक्षण आंदोलन को लेकर प्रशासन भी अलर्ट नजर आ रहा है। भरतपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं भरतपुर जिले के बयाना में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस बल की कंपनियां बयाना पहुंच रही हैं। भरतपुर के बयाना में जीआरपी के 50 और आरपीएफ के 150 जवान पहुंच चुके हैं। आंदोलन से निपटने के लिए गृह विभाग ने गुज्जर बाहुल्य भरतपुर, धौलपुर सवाईमाधोपुर, दौसा टोंक बूंदी झालावाड़ और करौली में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया है। इसी के साथ कर्नल बैंसला ने कहा कि जरूरी नहीं हम आंदोलन ही करें, सरकार बात मान ले तो आंदोलन नहीं होगा। हालांकि गुडला में लोगों को 11 बजे आने का न्योता दिया गया है। झुंझुनू जिले में शहर के 1 नंबर रोड स्थित सुभाष ऑप्टिकल नामक दुकान में आग लग गई। आग के कारण दुकान में रखा सामान और फर्नीचर जलकर राख हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। इसके बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। प्रदेश में सरकार ने स्कूलों के खुलने के समय में परिवर्तन किया है। अब 2 नवंबर से स्कूल खुलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। कोविड-19 के कारण स्कूलों में फिलहाल बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान में अध्यापक व अन्य स्टाफ स्कूलों में ड्यूटी दे रहे हैं। निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से जारी आदेशों के मुताबिक विद्यालयों में शीतकालीन संचालन अवधि को लागू किया गया है। स्कूलों में बच्चों के लिए रेगुलर पढ़ाई कब से शुरू होगी, इसको लेकर अभी तक कोई आदेश जारी नहीं हुए हैं और न ही इन आदेशों में उल्लेख किया। अलवर शहर के तिजारा फाटक ओवरब्रिज और टैलको चौराहे के बीच लोक परिवहन बस के नीचे कुचलने से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने बताया कि गोपाल सिंह अपने 8 वर्षीय पुत्र को लेकर बाइक से बाजार आया था। रास्ते में तिजारा फाटक ओवरब्रिज के टैलको चौराहे के बीच स्थित एक मैरिज गार्डन के सामने दूसरी बाइक को बचाने के प्रयास में गोपाल सिंह की बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे गोपाल सिंह बाइक से उछलकर रोड के दूसरी तरफ जाकर गिरा और सामने से आ रही लोक परिवहन बस के नीचे कुचल गया। राज्य में शहरी सरकार के दूसरे चरण का मतदान आज रविवार को करवाया जाएगा। जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण नगर निगमों में होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने निगमों के मतदाताओं से कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों की पालना करने के साथ सुरक्षित और शांतिपूर्ण मतदान की अपील की है। दूसरे चरण के लिए मतदान सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा, जबकि सभी निगमों की मतगणना 3 नवंबर को प्रातः 9 बजे से की जाएगी। दूसरे चरण में 19,45,575 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सिविल सेवा के प्रशिक्षुओं को समाज से जुड़ने की सलाह देते हुए कहा कि वह ऐसा करते हैं तो वही समाज उनकी शक्ति का सहारा बनेगा। उन्होंने भावी नौकरशाहों से आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने और वोकल फॉर लोकल को अपनाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी जो भी फैसला लें वह देश हित में होना चाहिए और उससे देश की एकता और संप्रभुता मजबूत होनी चाहिए। सिरोही जिले के माउंट आबू थाना क्षेत्र में नक्की झील में डूबने से युवक की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकालकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि हादसा होने के कारणों की जांच की जा रही है। सीबीआई इंस्पेक्टर के घूस लेने से जुड़े मामले में प्रकाश चंद चौधरी की हिरासत अवधि 12 नवंबर तक बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार एसीबी ने 8 मार्च 2019 को आरोपी सीबीआई इंस्पेक्टर प्रकाश चंद चौधरी को 75 लाख रुपए लेते ट्रैप किया था। इसके लिए दलाल शांतिलाल आंचलिया का फोन सर्विलांस पर लिया गया था। आरोपी ने प्रॉपर्टी डीलर हनुमान शर्मा से 1.5 करोड़ रुपए की घूस मांगी थी। 2 किश्तों में प्रकाश चंद पहले 90 लाख रुपए ले चुका था। जज नेपाल सिंह की कोर्ट में जेल से वारंट आया था। कोटा में कॉलेज छात्रा से दुष्कर्म करने के मामले में पोक्सो कोर्ट क्रम संख्या 1 ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर सजा के साथ 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि वर्ष 2013 में खतौली थाने में यह मामला दर्ज हुआ था।
39 आरएएस अधिकारियों की तबादला सूची में सवाईमाधोपुर जिले के 2 एसडीएम बदले गए हैं। चौथ का बरवाड़ा एसडीएम दमोदर सिंह को भरतपुर एसडीएम के पद पर तबादला किया गया है। वजीरपुर एसडीएम वर्षा मीना को चौथ का बरवाड़ा एसडीएम पद पर लगाया गया है। इसके साथ ही वजीरपुर एसडीएम पद एक बार फिर से रिक्त हो गया है। आईएएस की छोटी तबादला सूची जारी होने की संभावना है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस सूची में करीब आधा दर्जन अफसरों के नाम शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही डीजीपी और हॉप के आदेशों का भी इंतजार है। अजमेर जिले में लगातार चोरी की वारदातें हो रही हैं। जानकारी के अनुसार शनिवार को फिर एक ही क्षेत्र में 3 मकानों में चोरी की वारदात हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि चोर एक मकान से 25 लाख के गोल्ड पर हाथ साफ कर गए। वहीं कुछ दूरी पर स्थित 2 मकानों में भी चोरी होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। कोटा जिले की महावीर नगर थाना पुलिस ने अवैध शराब के बड़े गोरख धंधे का खुलासा करते हुए नकली दारू की फैक्ट्री पकड़ी है। पुलिस ने बताया कि यह गिरोह कच्ची दारू, सस्ती स्प्रिट और देशी दारू खरीदता था। बाद में इसे रिबूट करके कलर एसेंस की मदद से महंगे ब्रांड की बोतलों में रीपैक किया करता था। पुलिस ने बताया कि यह अवैध फैक्ट्री हरिओम नगर में चल रही थी। गिरोह ने इस घातक शराब को निगमों चुनाव में भी सप्लाई किया था। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।